मैं विशाल साठे चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, ये एक बहुत ही महान वनस्पति है और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूं कि ये मुझे सड़क के किनारे लगी हुई मिल गई। ये कहते हुए एक्चुअली मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि हजारों सालों से अपामार्ग या फिर कसौंदी या छोटा गोखरू, शिरीष, मूलश्री, इन वनस्पतियों की तरह ही ये वनस्पति सड़कों के किनारे ही लगी हुई पाई जाती है हमेशा से। लेकिन विडंबना देखिए, आजकल वनस्पतियां विलुप्त हो रही है और ये जो हमेशा से ही सड़कों के किनारे पाई जाती थी, आजकल वो विलुप्त जैसे हो गई है और मुझे सड़क के किनारे सिर्फ एक ही पौधा ये मिला है और इससे भी मैं आश्चर्यचकित हो जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप इस वनस्पति को पहचानते ही हैं। इसकी पहचान की अगर बात करें तो इसके पत्ते आप देखें तो सामने सामने हैं, लेकिन इसकी ब्रांचेस जो हैं वो अल्टरनेट है। आप देखेंगे तो एक यहाँ पे है, तो एक यहाँ पे है इसकी ब्रांच, तो एक यहाँ पे है, तो एक यहाँ पे है, तो ये ब्रांचेस इसकी अल्टरनेट है। ये इसका डिज़ाइन है, ये इसकी पहचान है। इसे येलो फूल लगते हैं, पीले फूल लगते हैं और उसके बाद इसे फलियां लगती हैं। मुझे यकीन है आपने इसे पहचान लिया ही होगा। अब आप बताइए कि आपके भाषा में इसे क्या कहते हैं और आपके प्रांत में इसका क्या प्रयोग किया जाता है, ये कमेंट करके आप शेयर कीजिए, जिससे कि सबका भला हो और इन्फॉर्मेशन सबको मिले। बॉटैनिकली इसे कैसिया टोरा कहा जाता है या फिर सिकल सेना कहा जाता है। मराठी में इसे टाकला कहते हैं और हिंदी में इसे पवाड़ कहा जाता है। हाँ दोस्तों, ये महान वनस्पति पवाड़ है। ये वनस्पति हर तरह के चर्म विकारों के लिए एकदम जबरदस्त है, खास करके ये दाद में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। दाद यानी एक गोल जैसा एक डिज़ाइन वाला एक चर्म रोग होता है, जिसे रिंगवॉर्म कहते हैं। इसमें ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, इसलिए इस वनस्पति का दूसरा एक नाम चक्रमर्द भी है या फिर रिंगवॉर्म प्लांट भी इसे कहते हैं, या फिर संस्कृत में इसे ददरू घ्न भी कहा जाता है, क्योंकि ददरू यानी रिंगवॉर्म और घ्न यानी ददरू को ख़त्म करने वाला, तो इसे ददरू घ्न भी कहा जाता है संस्कृत में। आयुर्वेद में इसे कटु कहा गया है, यानी कि ये कड़वा है और ये लघु है, यानी कि पचने में हल्का है, और रूक्ष है यानी कि ये ड्राई है, और ये उष्ण वीर्य है, इसलिए ये पित्त को बढ़ाने वाली वनस्पति है और ये कफ और वात को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, ये इसका स्वभाव है। अगर किसी को किसी भी तरह का चर्म विकार हो गया है, इसमें यह बहुत अच्छा काम करता है, चाहे एक्जिमा हो गया हो, सोरासिस हो गया हो, या फिर दाद खाज खुजली हो, या फिर अर्टिकेरिया क्यों ना हो गया हो, जिसे शीतपित्त कहा जाता है, जहाँ पे शरीर पे दाफड़े पड़े जाते हैं, लाल लाल ऐसे चकत्ते पड़े जाते हैं, या फिर किसी भी तरह का चर्म विकार क्यों ना हुआ हो, इसमें इसका प्रयोग करने से हर तरह का चर्म विकार दूर होता है। आप किसी भी आयुर्वेदिक फार्मेसी का अगर दवाई देखें, उसका कंपोजिशन चर्म विकार को लेकर के देखें, तो उसमें आपको पवाड़ डला हुआ ज़रूर मिलेगा। इसमें अगर इसके पत्तों को उबाल करके अगर उससे स्नान किया जाए तो हर तरह का चर्म विकार दूर होता है, या फिर इसकी सब्जी बना करके भी खाई जा सकती है, उससे भी चर्म विकारों में बड़ा अच्छा लाभ होता है, या फिर इसको जब फलियां लगती हैं तो उसके बीज निकाल लें और इन बीजों को भून लें और फिर आधा ग्राम जैसा उसका अगर पानी के साथ सुबह और शाम खाली पेट सेवन करते हैं तो हर तरह का चर्म विकार दूर होता है। और जैसे कि मैंने बताया है आपको कि ये वात को भी कंट्रोल करता है, तो अगर किसी को जोड़ों में दर्द है या फिर दर्द है, सूजन है, इस तरह की परिस्थितियों में भी अगर इसका इसी तरह से सेवन करते हैं तो हर तरह का वात रोग तुरंत कंट्रोल में आ जाता है। और अगर कहीं पे दर्द है, सूजन है, तो इसके पत्तों को गर्म करके वहाँ पे पोल्टिस भी लगाते हैं
तो भी जबरदस्त लाभ होता है, तुरंत आराम मिलता है। इसके अलावा ये वनस्पति अत्यंत रक्त शोधक है, इसलिए ये बुखार को भी कंट्रोल करने में जबरदस्त काम आती है। और इसके अलावा ये खांसी में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसमें भी अगर इसके जो बीज हैं उनको भून करके आधा ग्राम पानी के साथ लेते हैं तो खांसी ये कंट्रोल करता है। ये वनस्पति इतनी जबरदस्त है कि ये लीवर के रोगों में भी बहुत अच्छा काम करती है, और ये श्वेत प्रदर को दूर करने में भी एक बहुत ही सहायक वनस्पति है। और अगर कहीं शरीर पे गांठ हो गई हो, इसमें भी इसका प्रयोग करने से गांठ भी घुल जाती है। और इतना ही नहीं, इसके बीजों का पाउडर बना करके अगर लेप करते हैं मुंह पे या कहीं पे भी शरीर पे, तो एकदम शरीर में ग्लो आ जाता है, शरीर चमकने लगता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सड़कों के किनारे ये वनस्पति लगी हुई है, और इसको लेकर के मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि ये पवाड़ और अपामार्ग और कसौंदी, इन तीनों वनस्पतियों में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे कि ये तीनों वनस्पतियां जो हैं वो सड़कों के किनारे लगती है, नंबर एक। नंबर दो, इन तीनों वनस्पतियों का जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य है। और नंबर तीन, ये तीनों ही वनस्पतियां जबरदस्त रक्त शोधक है और ये विषनाशक वनस्पतियां हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले एपिसोड तक विशाल साके को दीजिए इजाज़त। बाय।